जो ये वीडियो है वो हर किसी को उसके बचपन में लेकर जाएगा। या तो आज आपके गाँव की याद आएगी। मेरे अगल बगल में इतना ज्यादा शोर हो रहा है बच्चों का कि मैं ठीक से अपनी बातों को भी नहीं कह पा रही हूँ। इस वीडियो को लाने के पीछे सिर्फ हमारा ये मकसद है कि हम आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की मुद्दों को जो है वो रखते हैं, तरह तरह के मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दा है वो है बच्चों का खेल। जो घरेलू खेल होते हैं, जो गलियों में खेले जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग उसको भूल चुके हैं। तो आज हम कडरू के एजी कॉलोनी में आए हैं, जहाँ पे बच्चे जो है वो आप देख रहे होंगे, मेरे दोनों हाथों के साइड में आप देख रहे होंगे कि ये लोग कितने अच्छे से जो है गेम को ऑर्गेनाइज वे में खेलते हैं। एक बार मैं सभी बच्चों से चाहूंगी मेरे करीब आ जाओ, आप सभी थोड़े मेरे नजदीक आ जाओ। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने यहाँ एजी कॉलोनी पहुंचे हैं और इन बच्चों से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि कब कब ये गेम को खेलते हैं और किस तरह से आज भी इस डिजिटल जमाने में भी, इस मोबाइल के जमाने में भी कैसे ये गलियों में इस खेल को खेल पाते हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चे एक बार जोर से बोलो हे पेप। यस, चलो अब हम आप लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप लोग अभी इस डिजिटल वे में भी, इस मोबाइल के जमाने में भी आप लोग इस गेम को खेल पाते हो। सबसे पहले आप आओ, क्या नाम है आपका? अर्णव मिश्रा। ये बताओ मुझे कि आप लोग ये जो गेम खेलते हो, ये गलियों वाले, ये हर दिन खेलते हो या फिर सिर्फ संडे आज इसलिए? नहीं दीदी, ये गेम हम लोग हर दिन खेलते हैं। और कितने लोगों का टीम है आप लोगों का? ये हम लोग का 8 to 9 members। 8 to 9 से ज्यादा दिख रहा है इधर मुझे। हाँ, और लेकिन ये अभी ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारे टीम है। अच्छा, और कौन कौन से गेम खेल लेते हो आप लोग इधर? हम लोग कबड्डी, पिट्टू, हाइड एंड सीक, चेंज और लॉक एंड की, यही सब गेम। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, मोबाइल वाले डिजिटल गेम में या फिर ऐसे गलियों वाले में? ऐसे गलियों वाले में मजा आता है बहुत। यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है मार्बल्स के ऊपर मार्बल रख कर पिट्टो गेम को खेलते हैं। ये गेम मुझे लगता है शहरों में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि गांवों में इससे खपरे के ऊपर, खपरे को अगर खपरेल बहुत लोग इसे जानते होंगे, उसके ऊपर रखा जाता है एक के ऊपर एक और फिर पिट्टो को खेला जाता है। लेकिन चूंकि ये गाँव नहीं है, यहाँ खपरे नहीं है, इसलिए बच्चे मार्बल के साथ ही इस गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, जल्दी बताइए? शशांक खोरी। यहाँ कब कब गेम खेलना आते हो? हर दिन। हर दिन कितना मजा आता है, मोबाइल वाले में या इसमें? इसमें। इसमें मोबाइल से बोर नहीं हो गए कहीं जब ऑनलाइन परीक्षा होने लगी या ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी तो? नहीं नहीं हुए बोर। आप मोबाइल में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर ऐसे नॉर्मली डेली? ऐसे नॉर्मल डेली में। कितने लोगों का टीम होता है? 8 से 9। 8 से 9 हर दिन खेलते हो इस गेम को? हाँ, हर दिन। किस तरह के गेम्स खेल लेते हो आप लोग? जैसे कभी कबड्डी खेल लिए, पिट्टो, लॉक एंड की, चेन चोर, हाइड एंड सीक, इसी तरह के। जब आप लोग गेम खेलते हो तो कोई डिस्टर्ब करने आता है या नहीं बीच में? आता तो है, बहुत कोई आता है। ऐसे बीच बीच में गाड़ियाँ आ जाती है तो नहीं लगता कि नहीं आना चाहिए था? हाँ, लगता तो है। और आप किस तरह के गेम ज्यादा पसंद करते हो एज अ गर्ल? एज अ गर्ल आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम। मोबाइल में इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब इसी गेम में ज्यादा मजा आने लगा? कितना मजा, मतलब उससे कंपेयर करें तो? उससे कंपेयर बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? पलक। पलक सिंह। पलक सिंह, मुझे ये बताइए कि कभी आप गांव गए हो या? हाँ, गए। कभी उधर आपने बच्चों को खेलते देखा मैदान में? हाँ, कित-कित एक गेम हमारे बीच में आया। शायद मुझे नहीं लगता कि अब ये गेम ज्यादातर हम देखते ही नहीं है। अगर मैं अपने बचपन में जाऊँ तो मैं थोड़ा बहुत देखती थी, पर ये लोग जो है मुझसे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो इन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा उस गेम को। ऐसा आप लोग कित-कित खेलते हो और हर दिन इस गेम को खेलते हो? अच्छा, लॉकडाउन के दौरान पूरा जो माहौल था वो डिजिटल वे में चेंज हो गया था, पढ़ाई भी डिजिटल, घर पे रहो, उस वक्त भी आप लोग ऐसे खेल रहे थे या नहीं? नहीं, बहुत बोर नहीं हो गया था लाइफ? हाँ, हो गया था ना। फिर कैसे आप लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो? हाँ, हम लोग
हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सब आए खेलने, फिर उसके बाद सब धीरे धीरे करके सब आने लगा। मम्मी पापा कभी डांटते नहीं आप लोग ऐसे खेलते रहते? नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ाई को लेकर कोई प्रेशर नहीं, उसको खेलने के बाद सारा स्ट्रेस सारा दूर हो जाता है इसीलिए, और मम्मी पापा इनकरेज करते कि हाँ बाहर जाके खेलो सब कोई सबके साथ। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो नहीं लगता आपको कि जो ये गेम्स है या जो रोज के गेम्स होते हैं गलियों वाले वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं मतलब इन अ पॉजिटिव, हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठ के बहुत मोटे हो चुके हैं। क्या नाम है जल्दी बताइए? मेरा नाम श्लोक पांडे है। हर दिन यहाँ गेम खेलते हो? हाँ मजा आता है बहुत, इसलिए तो आए हुए। और गेम से नहीं लगता कि हमारी जो हेल्थ एक्सरसाइज है वो भी काफी अच्छा हो जाता है? या फिर बीच में लॉकडाउन हुआ था इसलिए हम लोग ऐसे हो गए, वरना पहले ठीक थे। अच्छा, तो गेम्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है। गेम से इफेक्ट पड़ता है। और ज्यादा मजा किस में आता है, गलियों वाले गेम में या फिर मोबाइल में? मोबाइल में आता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, यहाँ ज्यादा मजा आता है ना। और कभी ये सारे आप लोग आस पड़ोस के ही बच्चे? हाँ सब हम लोग। मम्मी पापा नहीं डांटते इतना खेलने से? एग्जाम खत्म हो गए क्यों डांटेगी? एक जरूरी बात, एक बड़ी बात ये है कि इनका एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है इसलिए ये लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मेन मकसद इस वीडियो को लाना यही है कि ये जो गेम्स है गलियों वाले गेम्स वो कहीं ना कहीं अब छिप चुके हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए आज हमारा मेन मोटो ही यही था कि हम आपके सामने इस वीडियो को लाएं और दिखाएं कि किस तरह से बच्चे जो है वो आज भी इस गली में कंटिन्यू कर रहे हैं इन सारे गेम्स को। हम और भी बातें करेंगे और जानेंगे। हाँ पलक, एक छोटी सी बहुत अच्छी बच्ची है हमारे साथ, पहले बताइए क्या नाम है आपका? सुदेशना पुरकायत। या सारे फ्रेंड्स आपके? हाँ। आप गेम खेलने आते हो? हाँ आते हो। आप किस तरह के गेम्स पसंद करते हो? मुझे ये लोग जो खेलते हैं वही पसंद है। मतलब ये लोग सीनियर है इसलिए? नहीं। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है वो बताइए? कबड्डी पसंद है आपको? साइकिलिंग नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? नहीं है। नहीं है। साइकिलिंग किनको किनको पसंद है, कितने लोगों को पसंद है और सब लोग करते या नहीं करते? करते सब। साइकिलिंग करते हैं? अरे तुम आगे कहाँ? हम रेस करते हैं। हाँ साइकिलिंग में रेस कौन कौन करता है? हम हम हम। साइकिलिंग में रेस कौन कौन करता है? हम करते हैं साइकिलिंग में। हाँ अगर बात करें तो लगभग सभी लोग जो है यहाँ पे वो सारे लोग साइकिलिंग वाले गेम जो है सभी पसंद करते हैं। हाँ ये गलियों वाले गेम जो है ये सिर्फ गली तक ही सीमित रहते हैं या फिर इससे और आगे बढ़ा जा सकता है? मिनी से बात करके जानेंगे। ये बताइए हमें कि गलियों वाले जो गेम्स है सभी भागने लगते हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग बच्चे हैं। ये बताइए कि जब आप ये गेम्स खेलते हो गलियों वाले पिट्टो हो गया या फिर कबड्डी, तो इसमें कुछ ऐसे नहीं लगता कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं? ये तो खेलते खेलते हम सोचते हैं कि हम कुछ आगे बढ़ सके इस खेल से। कबड्डी को लेके क्या सोचते हो? कबड्डी इसके बारे में मैं क्या बताऊं? इसके बारे में आप सोचो, आप बताइए कबड्डी में कुछ स्कोप दिखता है नहीं दिखता? कबड्डी में स्कोप दिखता है या नहीं? हाँ दिखता है। हाँ कभी लगता है कबड्डी में आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ कबड्डी में आगे बढ़ा जा सकता? हाँ बढ़ा जा सकता है, बहुत से प्लेयर बढ़े हैं जैसे प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी। हाँ इनको तो दो नाम भी पता है कि कबड्डी में आगे बढ़ा जा सकता है। कबड्डी में स्कोप कहाँ तक दिखता है? इधर आओ बच्चे, कबड्डी में स्कोप दिखता है या नहीं? नहीं। हाँ दिखता होगा। दिखता है। पढ़ाई में ज्यादा मजा लगता है या खेल? खेल खेल में थोड़ा थोड़ा, पढ़ाई में भी, और दोनों में मजा आता है। मजा आता है कबड्डी में अगर स्कोप देखा जाए। अगर फुटबॉल कभी खेले हो आप लोग? हाँ खेले हैं। हाँ खेले हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग बहुत खेलते हैं। कभी खेले फुटबॉल बहुत अच्छा है। फील्ड में और गली में क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए यहाँ गाड़ी आएगा, रुको गाड़ी में लगा, रुको फील्ड में खेलो। और गली में नाली में भी बॉल चले जाता है। हाँ इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों ने भी अभी यहाँ देखा था थोड़ी देर पहले कि जब ये खेलते हैं तो इनका बॉल जो वो नाली में चला जाता है, लेकिन इससे इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमें खेलना बंद कर देना चाहिए। उस बॉल को नाली से उठाओ और खेलो खेलो धोके खेलो। नहीं करना चाहिए,
निकाल कर फिर से खेलना चाहिए, ये इन बच्चों का भी कहना है, क्योंकि घर जाकर तो ये फिर से नहाते ही है। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in